Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? सुबह के 5 बज गए हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है आपके लिए पिकुलर इंग्लिश को लेके। तो गाइज, शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और वीडियो के एंड में आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से एक लाइक कर देना है और अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है आपके सामने। ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये हस्बैंड नहीं होता, क्या होता है? हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहता है। इन हिंदी आप इसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। ए हस्बैंड हु इज कम्प्लीटली ओबीडियंट टू हिज वाइफ। वैसे तो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ओबीडियंट ही होता है, उसको पता है कि अगर हल्का सा भी इधर उधर करेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो, अपनी कॉमन लाइफ में भी इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ। हमारा सेकंड वर्ड है ए हेल कैट। हेल कैट का मतलब, हेल होता है नरक, कैट होता है बिल्ली, नरक की बिल्ली बिल्कुल नहीं होता। हेल कैट का मीनिंग होता है अ क्वारलसम वूमन, एक ऐसी औरत जो बहुत झगड़ालू होती है उसको बोल देते हैं शी इज अ हेल कैट। राइट, क्या बोलते हैं? हलकट, जिसका हलकट नहीं है। ठीक है, कभी आप इसको हलकट बोलो, ये हलकट नहीं है, हेल कैट है। राइट, हाँ, अगर हलकट को आप थोड़ा स्टाइल से बोलोगे तो हेल कैट वो बन जाएगा। ठीक है, वेल आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। पिक्यूलियर वर्ड्स हैं, पिक्यूलियर इंग्लिश है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वर्ड आपको मिलते हैं और आपको पता नहीं लग पाता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा आज नया आया है और हमारे सामने आज पहली बार जुड़ा है एसएससी अड्डा में, उसका स्वागत है और ये वोकैबुलरी डेवलपर उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप करना चाहता है, जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए। चलिए चलते बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं आज का तीसरा वर्ड। आज का तीसरा वर्ड है हाई टी। हाई टी का मीनिंग क्या होता है? ऐसी टी जो बहुत ऊंची होती है। नो, हाई टी का मीनिंग होता है अर्ली इवनिंग मील। जब कोई आप ऐसा डिनर करते हो जब आप रात को कुछ और नहीं खाएंगे, चाहे आपने ले लिया कुछ, आपने हैवी खाना खा लिया, उसके बाद आप कुछ डिनर नहीं करते, शाम को जो 4 से 5 बजे के टाइम पे जो आप स्नैक्स खा लेते हो, कुछ खाना खा लेते हो और उसके बाद आप डिनर नहीं करते, तो उसको कहते हैं आपकी हाई टी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दे हैड ए हाई टी आफ्टर द फंक्शन। कई बार बड़े बड़े फंक्शंस में ऐसा होता है, वो लोग डिनर ऑर्गेनाइज नहीं करते, हाई टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छा बनाएंगी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में उसको सहायता करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को भी बूस्ट करेंगी। तो गाइज, आपको ये शो कैसा लगा है आप मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों फ्रेजेस याद करने हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में तीनों के मीनिंग एक बार लिख दीजिए और शाम तक आप लोगों को ये वर्ड तीनों याद हो जाएंगे। अगर आपको याद हो गए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी याद करा दीजिए और ऐसे ही मेरे साथ वोकैब को डेवलप करते रहिए। आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने हमेशा तैयार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।